नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, पंचायत चुनाव की डुगडुगी अब बज चुकी है और ऐलान हो गया है कि बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में होंगे। बिहार सरकार की ओर से अब हरी झंडी दे दी गई है राज्य निर्वाचन आयोग को। आपको पता है कुछ दिन पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चिट्ठी लिखा गया था बिहार के पंचायती राज विभाग को और कहा गया था कि 20 अगस्त से पहले आप जवाब दे दें, हम तैयार हैं। अब आज जब देर शाम को कैबिनेट की बैठक हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, उस कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला, कि बिहार में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। आपका अपना मोहल्ला वाला चुनाव, गांव टोला वाला चुनाव, जहां पर अब मुखिया जी गली गली घूमेंगे और बताएंगे कि 5 साल उन्होंने कितना काम किया है। क्या वो साइकिल से स्कॉर्पियो पर आ गए और क्या जो गाँव की गलियाँ थी उसका पक्कीकरण हुआ है या नहीं हुआ है, आपको सब कुछ देख कर वोट डालना है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है और तारीख कौन कौन सी है, देखिए उम्मीद है 24 अगस्त तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से। और पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, वो 11 चरण में जो चुनाव होने हैं उसकी तारीख हम आपको बताने जा रहे हैं। संभवतः यही तारीख होने वाली है, इसकी शुरुआत होगी सितंबर माह से। सबसे पहले 24 सितंबर को पहला चरण होगा, 29 सितंबर को दूसरा चरण में का चुनाव होगा, 8 अक्टूबर को तीसरे चरण का चुनाव होगा, 20 अक्टूबर को चौथे चरण का चुनाव होगा, 24 अक्टूबर को पांचवें चरण का मतदान होगा। जो मतदान के चरण हैं उनके दिन बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं, 3 नवंबर को छठा चरण, 15 नवंबर को सातवां चरण, 24 नवंबर को आठवां चरण, 29 नवंबर को नौवां चरण और 8 दिसंबर को होगा दसवां चरण, 12 दिसंबर को ग्यारहवां चरण, यानी कि 11 चरणों में मतदान होने हैं। इस बीच में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के त्यौहार भी होने हैं, इसलिए चुनाव के बीच में थोड़ा सा गैप भी दिया गया है, समय भी दिया गया है। आपने सुना है वो तारीख कौन कौन सी है, 11 चरणों में मतदान होने हैं, राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी दे दी गई है, तो आप लगभग तैयार रहिए। राज्य निर्वाचन आयोग 24 अगस्त तक नोटिफिकेशन जारी कर देगा और जितने मुखिया जी हैं अब घूमना शुरू कीजिए। पहले से घूम रहे थे आप, इस कोरोना की दूसरी लहर में आपने अपने गांव के लिए क्या किया, लोगों के लिए क्या किया, कोरोना की पहली लहर में क्या किया, तैयारियां तो आप कर रहे थे लेकिन आपको अब अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर गांव में घूमना होगा। देखिए कहा जाता है, ये बात सच भी है, अगर अच्छा सिंबल मिल जाए, अच्छा टिकट मिल जाए, अच्छा ऊपर में नेता हो तो फिर पार्लियामेंट का चुनाव जीता जा सकता है, विधानसभा का चुनाव भी अगर अच्छा चेहरा हो तो जीता जा सकता है। लेकिन मुखिया और पंचायत का जो चुनाव होता है, चेहरा चेहरा पर लिखा होता है कौन आपको वोट देगा, किसे आपको रिझाना है, कौन आपके पाले में आ रहा है, कौन आपके पाले से छिटक रहा है, ये ध्यान दीजिए। जितने मुखिया जी हैं, आप फिर से मुखिया बनना चाहते हैं तो तैयारी कर लीजिए, 11 चरणों में पंचायत के चुनाव होने हैं। राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है, इस वक्त ये बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की, यह जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना के कहर को देखते हुए पंचायत चुनाव टाले गए थे लेकिन अब पंचायत चुनाव होंगे, 3 महीने का समय लगेगा, नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर में भी, ये 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर लगभग 3 महीने का समय जाएगा। लेकिन जब मतगणना होगी आप समझ सकते हैं इंतज़ार लंबा रहेगा, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।